फ्रेंड्स, आई एम रंजना। टुडे आई विल एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ लर्निंग अबेकस, दैट इज मेंटल कैलकुलेशन। आज का वीडियो मैं उन पेरेंट्स के फोन कॉल्स के कारण बना रही हूँ जिन्होंने मुझसे पूछा कि बच्चों को हम मेंटल प्रैक्टिस कैसे करवाएं, प्लीज आप हमें बताइए। एक्चुअली जब बच्चा एग्जाम देने जाता है तो एग्जाम हॉल में कोई भी गैजेट, कोई भी टूल अलाउड नहीं होता है, वह सिर्फ अपने ब्रेन के साथ जाता है। इसलिए हमारा अल्टीमेट एम जो है एबेकस सिखाने का, वह यही है कि बच्चा सारा कैलकुलेशन मेंटल कर सके। मेंटल कैलकुलेशन से जहां विदाउट एनी टूल, विदाउट एनी गैजेट वो अपना कैलकुलेशन कर सकता है, उसके अलावा एक और दो तीन चीज जो बेनिफिट्स हैं एबेकस के, वो आपको पता पड़ेंगे कि बच्चे का विजुलाइजेशन स्किल जो है वो कैसे डेवलप होता है। क्योंकि उसके पास कोई भी रिटर्न नोट, कोई भी पेन पेपर कुछ भी नहीं होता है और वो सारा कैलकुलेशन उसको मेंटल करना होता है, तो उसे विजुलाइज करना होता है कि एक अबेकस की इमेज है और उसमें उसको सारा कैलकुलेशन करना है। सेकेंडली, क्योंकि उसके पास कोई भी रिटर्न नोट नहीं है, उसे सब कुछ अपने इमेजिनेशन से ही करना है, तो उसे कॉन्सेंट्रेट करना होता है। जितना ज्यादा वो कॉन्सेंट्रेट करेगा उतना एक्यूरेट आंसर देगा, तो अल्टीमेटली क्या होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी बढ़ता है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू डू मेंटल। इसके लिए आपको सबसे पहले बच्चे को बोलना है कि आप अपनी आईज क्लोज करिए। फर्स्ट है वो आईज क्लोज करेगा, अबेकस को विजुलाइज करेगा, उसकी एक इमेज बनाएगा और उसके बाद वो जैसे कैलकुलेशन नीचे अबेकस पे करता है सेम वैसा उसको ऊपर, फिंगर मूवमेंट्स भी वैसे ही रहेंगे, ये ध्यान रखना है। ऐसे आईज क्लोज किया, अब आपने बोला वन, तो वो करेगा वन प्लस वन दैट इज टू, आंसर इज टू। फिर वो वापस बीट्स को नीचे लाएगा, फिर आप बोलोगे फोर माइनस टू दैट इज टू, आपने बोला फाइव प्लस टू प्लस टू दैट इज नाइन। आपको पहले सिंगल डिजिट के सम्स पूछना है ताकि वो सिर्फ वंस वाली रॉड को ही विजुलाइज कर सके। उसे बोलना है आपको कि आप केवल आईज क्लोज करके अपनी वंस वाली रॉड पे फोकस करिए। तो वंस वाले क्वेश्चन हम क्लास में क्या करते हैं, जैसे ही डबल डिजिट के विदाउट फॉर्मूला क्वेश्चन हम करवाते हैं वो कंप्लीट होते हैं और तुरंत हम मेंटल करवाना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी हमें शुरुआत में सिर्फ उनको सिंगल डिजिट के क्वेश्चंस पूछने हैं, वो भी विदाउट फॉर्मूला, फ्रेंड्स वाले, स्मॉल फ्रेंड, बिग फ्रेंड, कॉम्बिनेशन, वो कोई भी सम हमको नहीं पूछने हैं। तो आप बच्चा अपने आप आईज क्लोज करेगा, सिंगल डिजिट के आप सम्स, और कैसे पूछना है ये भी ध्यान रखिए। जैसे आपने बोला टू टू प्लस फाइव माइनस वन दैट इज एट, वो एट आंसर देगा। अगर वो दे पा रहा है आंसर तो ठीक है, नहीं दे पा रहा है तो आप थोड़ी स्पीड को कम करिए, उसके अकॉर्डिंग इनिशियली आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। फिर जैसे ही वो आंसर दे देगा तो आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि वो बार बार नहीं कर पा रहा है तो आप उसको बोलिए कि तुम इसको पहले अबेकस पे करो, वो अबेकस पे करेगा, उसके बाद आप उसको मेंटल करवाइए, है ना। ये सब धीरे धीरे आपको अपने आप पर, अच्छा हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप कोई भी ये सोच के कि थ्री टू फाइव अपने मन से आप कुछ भी पूछ लें, ये तो सिंगल डिजिट है, तो ये कभी मत करिएगा। आपको बुक में देखना पड़ेगा पहले कि विदाउट फॉर्मूला सिंगल डिजिट के सम्स कौन से हैं, वो करवाने होंगे। क्योंकि आपको लगेगा कि सिंगल डिजिट ही तो चल रहा है पर उसमें फ्रेंड्स फॉर्मूले आ जाते हैं, वो बच्चा नहीं कर पाएगा। तो पहले आप सिंगल डिजिट के करवाइए, जब वो सिंगल डिजिट के अच्छे से करने लगे तब डबल डिजिट के विदाउट फॉर्मूला करवाइए, छोटे छोटे सम्स। फिर धीरे धीरे पहले आप डबल डिजिट के भी पहले ओरल करवाइए, मतलब ओरल मतलब ऑन अबेकस, और फिर मेंटल करवाइए। जब वो अच्छे से करने लगे तब बिग फ्रेंड्स के साइड, जो लेफ्ट साइड वाले पेजेस हैं, जो सिंगल डिजिट वाले पेजेस हैं, उसमें से आप बिग फ्रेंड करवाइए, तो वो पहले अबेकस पे करवाइए और उसके बाद फिर आप वही सम उसको मेंटल करने को बोलिए। तो बिग फ्रेंड्स वाले जो सम है वो थोड़ा स्लो बोलिएगा, उसमें बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो पहले सिंगल डिजिट के बोलिए, फिर बिग फ्रेंड प्लस वाले, फिर बिग फ्रेंड माइनस वाले, उसके बाद स्मॉल फ्रेंड, उसके बाद कॉम्बिनेशन।
जब बच्चा कॉम्बिनेशन वाले सम्स मेंटल अच्छे से करने लगेगा उसके बाद फिर सेकंड लेवल में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करवाना है, सिंगल डिजिट के विदाउट फॉर्मूला सम्स, वो बच्चे आपको खुद बता देंगे कि पेज नंबर यहां से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद आप बिग फ्रेंड्स के करवाइए पर सिंगल डिजिट ही करवाइए, उसके बाद फिर स्मॉल फ्रेंड कॉम्बिनेशन, और स्पीड को पहले स्लो रखिए, बच्चा अगर कर पा रहा है तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए। आप डेली सिर्फ 10-15 मिनट्स दे दीजिए बच्चे को मेंटल करवाने के लिए, इससे ज्यादा मैं बोलूंगी ही नहीं। फिर आप देखिए कि आपके बच्चे की प्रोग्रेस क्या है और कितना कॉन्सेंट्रेशन लेवल उसका बढ़ रहा है और मेंटल कितना फास्ट कर रहा है। फर्स्ट लेवल में थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, फिर सेकंड लेवल तक तो आते आते वो खुद भी करने लगता है अपने आप देख के, थोड़े दिन प्रैक्टिस करके फिर आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। पर प्लीज फर्स्ट लेवल में आप बच्चे को मेंटल के लिए, क्योंकि हमारे पास वो दो दिन के लिए आ रहा है बच्चा, 5 डेज आपके पास है, तो आप बस इतनी सी प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चा मोटिवेट भी होता है और आपको भी अच्छा लगता है। आशा है आप लोग को जरूर पसंद आया होगा मेरा वीडियो। कोई भी इसके संबंध में क्वेरी है अबेकस के संबंध में, प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा।